आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइंसेस चैनल में। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको एसी की ड्रेन पाइप डालने के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसमें हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक नंबर पे आप देख सकते हो, पाइप के साइज के बारे में कि आपको जब ड्रेन पाइप डालनी है उस पाइप का साइज क्या होना चाहिए। दूसरा ड्रेन स्टार्टिंग पॉइंट, और हमें यह भी चीज़ का पता होना चाहिए कि हमने ड्रेन का जो पॉइंट है वो स्टार्ट कहाँ से करना है, तभी हम ड्रेन पाइप डालेंगे। उसके बाद ड्रेन स्टार्ट इन्फॉर्मेशन, आपको ड्रेन पाइप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो पता चल गया, लेकिन उसके बाद उसको हमने स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग के टाइम पे हमने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि जो जब एसी टेक्नीशियन एसी फिट करने के लिए आए तो उसको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, उसको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, वो आसानी से ड्रेन पाइप को उसमें डाल दे ताकि जो ड्रेन का पानी है वो आराम से बाहर निकलता रहे और बाद में कस्टमर को भी ये परेशानी ना आए कि उसका पानी जो है बाहर निकल रहा है एसी के। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और चौथा पॉइंट इसमें हम बात करेंगे, नोट ओवरफ्लो। कभी भी हमने जो पाइप हम डालते हैं उसको हम ओवरफ्लो कर देते हैं, उसका नुकसान भी मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो उसके बाद हम इसमें बात करेंगे नॉट यूज़ बैक वॉल, कि बैक वॉल कई बार हम क्या करते हैं, एसी हमने इस द्वार पर लगाना लेकिन बैक वाले पर हम ड्रेन पाइप डाल देते हैं, तो वो भी चीज़ आपने कभी नहीं करनी। उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्यों नहीं करनी हमने, क्योंकि आने वाले समय में क्या परेशानी आ सकती है। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है ऑलवेज यूज़ 1 फिट डाउन, हमेशा ही हमने जो पाइप है वो 1 फिट डाउन करके ही शुरू करनी है। कई बार हमारे पास जगह नहीं होती तो हम पाइप को कई बार साइड पर करना पड़ता है, या लेफ़्ट साइड करना पड़ता है, या पीछे साइड पिछली दीवार में डालना पड़ता है। तो हमेशा ही उसके बारे में बताऊँगा कि आपने 1 फिट डाउन क्यों करना है, उसका रीज़न क्या है। तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में समझाई जाएगी, इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि पूरी आपको नॉलेज मिल जाए। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बिल्कुल भी दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपसे इनमें से कोई भी पॉइंट छूट गया तो आने वाले टाइम में आपको परेशानी होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नंबर एक है दोस्तों पाइप साइज। तो कई बार ये कन्फ्यूजन होती है कि हमने पाइप का साइज कौन सा लेना है। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे 1/2 इंची पाइप है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी होता है दोस्तों 1/2 इंची पाइप, ये 1/2 इंची पाइप है। और इसके साथ ही हमारे पास एक इंची की पाइप का टुकड़ा है, ये दोस्तों 1 इंची पाइप है। तो कई बार क्या होता है कि प्लम्बर लोग ये पाइप इसकी झरी जो है कम मारनी पड़ती है, यही पाइप डाल देते हैं, और ये पाइप पे झरी ज़्यादा डूंगी मारनी पड़ती है तो ये पाइप नहीं डालते। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखें कि आपने पाइप जो है हमेशा 1 इंची की ही डालनी है, 1 इंची से कम वाली पाइप में आपको बाद में जो ड्रेन पाइप लगाएंगे उसमें परेशानी आएगी। ये देख सकते हैं आप हमारे पास एक ड्रेन पाइप है एसी की, ये एसी के साथ आती दोस्तों। तो अगर हम 1/2 इंची की पाइप लगाएंगे तो आप देख सकते हैं जो इसका हमने सिरा ये चीज़ इसके अंदर डालनी होती है एसी लगाते समय, तो आप देखते हैं इसका साइज बिल्कुल बराबर है, ये पाइप इसके अंदर जा ही नहीं रही। तो अगर आप डालेंगे तो हमें ये बेंड करके इसके अंदर धक्के से बसानी पड़ेगी। तो आप हमेशा ही बड़ी वाली 1 इंची पाइप का इस्तेमाल करें। अब हम देखेंगे 1 इंची पाइप, ये हमारे पास 1 इंची पाइप है, तो ये आराम से इसके अंदर जा रहा है और इंस्टॉलेशन भी इसके साथ ही अंदर जा पा रही है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अंदर जो पाइप चली गई है। वैसे हम जब एसी लगाते हैं तो इस इंस्टॉलेशन को हम उतार देते हैं और सिंपली हम सिर्फ आगे वाली पाइप को ही इसके अंदर डालते हैं। तो हमेशा ही आप 1 इंची पाइप का इस्तेमाल करें। तो पहला पॉइंट हमारा जो क्लियर हो चुका है कि हमने कभी भी 1/2 इंची पाइप का इस्तेमाल नहीं करना है, हमेशा ही 1 इंची पाइप का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने ड्रेन स्टार्ट कहाँ से करनी है, हमें पता ही नहीं होता, एसी वाला हमारे पास निशान ला के चला जाता है तो वहाँ से ड्रेन पाइप शुरू कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है वो निशान मिट जाता है, तो आप खुद ही ड्रेन पाइप की निशानी खुद ही लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने एसी की पाइप कहीं भी डाल दी, जैसे हम ज़्यादातर जो होता है ग्राउंड से हमारी 8 फीट ऊपर, ये आप देख सकते हैं जैसे डिफरेंस है, ये आप मान सकते हैं कि ये 8 फीट का है, क्योंकि 8 फीट का नीचे से हम ग्राउंड से डिफरेंस रखते हैं। बाकी एरिया के हिसाब से थोड़ा बहुत हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, 7 फीट भी कर सकते हैं, 9 फीट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पास ऊपर जगह कम हो जाती है तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली 8 फीट पर एसी लगता है, तो हमने 8 फीट हमने एक लगा लिया है अंदाजा इससे,
तो जैसे हमने यहाँ पे एसी की पाइप डाल दी है, अगर आपने एसी की पाइप डालने के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसमें आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके आप एसी की पाइप के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं कि एसी की पाइप कैसे डाली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दीवार का सेंटर लगा लिया है, ये जैसे सेंटर है इसका, तो हमने यहाँ पर एसी की पाइप डाल दी। ये मान लीजिए हमारी एसी की पाइप है जो ऊपर जा रही है, या इस साइड भी जा सकती है, किसी भी साइड जा सकती है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। तो दोस्तों मैं आपको पूरा ध्यान से समझाऊंगा। जो एसी का दोस्तों साइज होता है, एसी का साइज जो होता है वो 30 इंच से ले कर 44 इंच तक हो सकता है। 30 इंच से ले कर 44 इंच का एसी का साइज जो लंबाई है उसकी भी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ड्रेन पाइप डालनी है वो हम यही कोशिश करते हैं कि जो एसी के पीछे चली जाए ड्रेन पाइप, कभी बाहर ना दिखाई ना दे, क्योंकि हमने अंडरग्राउंड जो फिटिंग करनी होती है उसमें जो हम यही सोचते हैं कि हमारी कोई भी पाइप बाहर ना दिखाई दे, ड्रेन पाइप अंदर ही रह जाए। तो हम सबसे कम साइज वाला जो एसी है उसके हिसाब से ड्रेन पाइप डाल देंगे, ताकि जो अगर बड़ा छोटा लगे, इससे छोटा तो आएगा नहीं, इससे बड़ा एसी कोई भी लगाए तो ड्रेन पाइप उसके अंदर ही दिखाई दे, कभी भी बाहर ना निकले। तो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूंगा। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा वीडियो को स्किप किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक डब्बा यहाँ पे बना दिया है, ये देखिए, ये हमने 30 इंची का एक अंदाजा सा लगा लिया है, और उसके बाद ये हमने एक बड़ा डब्बा बनाया जो बाहर वाली साइड है। तो दोस्तों साइज अलग अलग एसी के आते हैं, हमें पहले पता नहीं होता कि हमने कौन सा एसी लेना है, तो इसके हिसाब से हम पहले ही जो कम साइज वाला एसी है उसके हिसाब से हम ड्रेन पाइप डाल देते हैं। अगर ये एसी लगे तो भी ड्रेन पाइप इसके अंदर चल जाए, अगर ये लगे फिर तो अंदर आ ही जाएगी। तो हमें क्या करना है, जो सेंटर है हमारा दीवार का सेंटर, दीवार के सेंटर से हमने 1 फुट छोड़ के, जैसे कि सेंटर इसका 30 इंची का एसी है तो सेंटर इसका 15 आ जाएगा, 15 के बाद 12 इंची हम और छोड़ देंगे, और लास्ट में 3 इंच हमारे पास बच जाएगा एरिया। तो वहाँ से हम ड्रेन पाइप देख सकते हैं, यहाँ से हम ड्रेन पाइप को शुरू कर लेंगे और ड्रेन पाइप हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसको आपने जो लेवल है इसका, जो इसका लेवल है वो एसी के पाइप के बिल्कुल सामने होना चाहिए आपका, जैसे हमने यहाँ पे एसी की पाइप डाली है तो वहीं पे ही इसका लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ताकि जो एसी हमारा बिल्कुल बराबर लगे, और जब एसी टेक्नीशियन आए उसको भी कोई परेशानी ना हो, वो आसानी से अपना काम कर सके। तो हमारा सेकंड स्टेप है वो भी क्लियर हो चुका है दोस्तों, हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे लगाना है। और इसके साथ एक और ऑप्शन है हमारे पास, कई बार क्या होता है कि इधर से हमने ड्रेन पाइप हमारे पास सही करने का कोई मतलब डालने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हम उस क्या करेंगे उस पोजीशन में, अगर हम सेंटर से राइट साइड पाइप नहीं डाल सकते तो हमें लेफ्ट साइड डालनी है। अगर वैसे तो आप राइट साइड डालें तो बढ़िया रहता है, क्योंकि दोनों पाइप अलग अलग जगह से हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती, फिर भी कई बार जगह ऐसी मिल जाती है कि हमें राइट साइड इसकी पोजीशन नहीं बना पाते, हमें लेफ्ट साइड ही बनानी पड़ती है। तो आप दोस्तों इसको लेफ़्ट साइड पे भी रख सकते हैं, इसको आप जैसे कि यहाँ पे एक पाइप पड़ी हुई है तो आप यहाँ पे भी इसको पॉइंट को दे सकते हैं। ये दोस्तों ऑप्शनल होता है, अगर हमारे पास इधर जगह नहीं बची तो, नहीं तो आप हमेशा इधर ही डालें, इधर थोड़ा सा, क्योंकि बाद में जब एसी टेक्नीशियन आएगा उसको थोड़ी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि एक ही जगह से सभी पाइप निकलेगी तो फिटिंग करने में उसको परेशानी होगी, तो आप कोशिश करें कि राइट साइड ही पाइप लगाएं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा आता है ड्रेन स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें पता चल गया कि हमने ड्रेन पाइप को यहाँ पर लगाना है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, जो जैसे कि हमारे पास ये पाइप है तो हम इसके ऊपर एल्बो लगा देते हैं, एक जो प्लम्बर हमारे भाई हैं वो यहाँ पे एक एल्बो लगा के इसको फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स करना, आपको ये फिक्स नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसको ऊपर सिंपल ऐसे रख कर इसको आगे से कोई कुछ भी लिफाफा लगा के एल्बो लगा कर सिंपली उसको बंद कर दीजिए, ताकि प्लस्तर इसके अंदर ना जाए जब प्लस्तर करें, और ये फिक्स भी ना हो, क्योंकि फिक्स करने का नुकसान ये है कि जब हम इसमें ड्रेन पाइप डालेंगे, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, अगर पाइप सीधी है तो उसके अंदर ड्रेन पाइप आसानी से चली जाएगी, आप देख सकते हैं आसानी से हम ड्रेन पाइप इसके अंदर डाल पा रहे हैं। अगर यहाँ पे एल्बो लगी होगी
तो ड्रेन पाइप को अंदर डालने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बाहर से हाथ तो डलेगा नहीं, इसके अंदर हम बहुत ही मुश्किल से घुमा घुमा कर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि यहाँ पे एल्बो को फिक्स ना करें, और जैसे कि आप देख सकते हैं अगर ये हमारा पॉइंट जो है ड्रेन का तो बिल्कुल सामने है, तो बिल्कुल सामने इसको आप ऐसे लगा दें, उसके ऊपर सिंपली एक एल्बो लगा कर छोड़ दें, उसको फिक्स ना करें, ताकि जब भी एसी टेक्नीशियन आए एल्बो को आसानी से बाहर निकाल दें और ड्रेन पाइप इसके अंदर सीधी आसानी से चली जाए। तो आप कभी भी इस पे एल्बो फिक्स ना करें, सिंपली इसके ऊपर वैसे ही रख दें। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपके लिए ज़रूरी था। थर्ड पॉइंट हमने कवर कर लिया है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इसका दोस्तों नॉट ओवरफ्लो। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को ये परेशानी हो जाती है कि जैसे हमने ड्रेन पाइप यहाँ पर डाल दी, उसके बाद नीचे हमें हमारे पास जगह थोड़ी कम हो जाती है, हम सोचते हैं चलो ड्रेन पाइप को ऊपर की तरफ चढ़ा दें थोड़ा सा। कई बार हम ऐसा कर देते हैं क्योंकि यहाँ से पानी आएगा ओवरफ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। तो आपने ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जो इसका जो एसी का जो पाइप पानी होता है बहुत ही बूंद बूंद करके बाहर निकलता है, और जब बूंद बूंद निकलता है उसका इतना प्रेशर होता नहीं कि वो इसको आगे धकेल सके और पानी आपका बाहर निकल सके। वो इसके जो पानी है वो एसी के अंदर से टपकना शुरू हो जाता है। तो इसको हमेशा ही आप लेवल में लगाएं, हमेशा ही इसको लेवल में रखें, कभी भी इसको ऊपर की तरफ नहीं करना है, नहीं तो आपका बाद में परेशानी होगी, एसी से पानी जो है टपकना शुरू हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा नॉट यूज़ वॉल बैक। तो हमने कभी भी इसकी जो बैक वॉल है वो यूज़ नहीं करनी है। जैसे हमने इस दीवार पर एसी लगाना है तो हम कई बार क्या कन्फ्यूजन होती है कि एसी की पाइप जो है, जैसे कि आपकी 4 इंची की दीवार है, ये जैसे दीवार बना दी हमने, तो एसी तो हमने इस दीवार पे लगाना है, इस यहाँ पे, तो पाइप कई बार पिछली साइड डाल देते हैं, क्योंकि कई बार होता है चलो इस साइड हमें दिक्कत आ रही है या हमने प्लस्तर कर दिया ऑलरेडी, तो हम पीछे दीवार में डाल देते हैं, तो यहाँ से पाइप इधर से ऐसे डाल देंगे ड्रेन की। तो ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। उसका दोस्तों कारण क्या है, जब हम एसी एक बार लगाएंगे तब तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके एसी के पाइप इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। जब बाद में कभी इस ड्रेन में कभी ब्लॉकेज आ जाती है, जब कभी ड्रेन को हमने साफ़ करना पड़ जाता है, तो उस समय जब एसी की पाइप हम बाहर निकालेंगे तो बाहर तो निकल जाएगी क्योंकि हमने खींच लेनी है सिंपली, और जब हम इसको दोबारा से एसी की पाइप को ड्रेन पाइप में डालने की कोशिश करेंगे ये काफ़ी डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, तो हम एसी की पाइप को अंदर डाल नहीं पाएंगे। तो हमेशा ही आपने इसकी इसी दीवार में झरी मार के इसी दीवार में आपने ड्रेन पाइप को डालना है, कभी पिछली दीवार को यूज़ नहीं करना। और सिक्स्थ पॉइंट दोस्तों ऑलवेज़ 1 फिट डाउन। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें हमारे पास जगह ही नहीं होती, जहाँ कभी बार कोई बिजली के पाइप यहाँ से डाली होती है, जहाँ इधर से डाली होती है, या कहीं से डाली होती है, तो हमें ड्रेन की पाइप को सीधा नीचे नहीं उतार पाते, यहाँ से जहाँ हमें राइट को लेके जानी पड़ती है, जहाँ हमारा बाथरूम राइट की तरफ बना होता है, या यहाँ से लेफ्ट की तरफ लेके जानी पड़ती है, जहाँ इसके पिछली दीवार में ही डालनी पड़ जाती है, जैसे मैंने पिछले बताया आपको। तो वहाँ पर हमने क्या करना है कि हमेशा ही जहाँ से हमने एसी की ड्रेन पाइप का निशान लगाया वहाँ से 1 फिट डाउन ले आइए आप। एक फिट डाउन लाने के बाद आप इसको राइट में भी लेके जा सकते हैं, लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, यहाँ से 1 फिट डाउन आने के बाद पिछली दीवार में भी लेके जा सकते हैं। तो हमेशा ही 1 फिट डाउन हमेशा लगाएं, ताकि जो एसी की जो पाइप है ड्रेन पाइप है उसको आसानी से उसके अंदर डाला जा सके। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन आपके मन में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैंने इसमें सभी पॉइंट जो है कवर कर लिए मैंने। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो ऐसी नई नई वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। और दोस्तों इस चैनल पर हमने और भी बहुत सारी वीडियो एसी के रिलेटेड डाल दी हैं, और भी हम काम करते हैं, जैसे आरओ फिल्टर हो गया, गीज़र हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उसकी भी हम वीडियो चैनल पे डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।